इस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मी अंकिता इंड यूर वॉचिंग मे अनक वाली साइज अनाज में अपने साथ शेयर करने वाली बहुत ही ब्यूटीफुल सा पाफ ठीक है एंड अगर आप एक मेकअप लवर हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज मेकअप में हमें जो है लाइक पाउडर जरूर करना होता है कॉम्पैक्ट तो करना ही होता है ना मेकअप को फिक्स करने के लिए सो so, मेकअप को फिक्स करने के लिए या फिर लूज पाउडर का यूज़ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये लार्ज वाला पफ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और ये है पैक ब्रांड का तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर पूरा देखें पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेट्स गेट स्टार्ट सो so, सोगर्ज बात करते हैं स्पॉंज के बारे में ये एक कॉटन पाउडर पफ है लार्ज फॉर्म में है इसका जो ब्रांड है दैट इज़ पैक पैक बहुत ही अच्छा जाना माना ब्रांड है जो कि मेकअप के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लॉन्च करता है एंड इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये लार्ज है बड़ा है ठीक है एंड इसमें स्मॉल भी आता है राउंड इन शेप है ये वाला जो पफ़ है ये गोल है राउंड है इसका जो नंबर है दैट इज़ ज़ीरो वन और इसका जो ये पैकेट है ना ये काफ़ी अच्छा है कि आप पफ़ को यूज़ करने के बाद आप डायरेक्ट इसको रख सकते हो एंड आप देख सकते हो ये जो पफ़ है मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तभी ये जो है थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ है बिकॉज मैंने इसके साथ जो है एप्लीकेशन करके आपको दिखाया भी है अभी वीडियो में तो वो अभी आपको आगे नज़र आएगी सो so, अगर हम बात करें इसके प्राइस की सो so ये जो है वन एटी रुपीज़ इसकी एम है एंड आई थिंक इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था आई थिंक और ये आप पर्पल से नाइका से मंगा सकते हो इजीली अवेलेबल है तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप डिस्काउंट के साथ भी ले सकते हो इवन वन का काफ़ी अच्छा पफ़ है लार्ज पफ आपको मिल रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो ठीक है अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें ना तो ये एकदम प्योर कॉटन क्वालिटी है फाइनेस्ट क्वालिटी है एंड अगर मैं इसकी एक मतलब मुझे एक छोटी सी बस खामी ये लगी कि इसके अंदर से ना हल्का बहुत रुआ निकलता है हल्का बहुत जो है एक दो कुछ कुछ निकल जाते हैं जब आप इसकी एप्लीकेशन करते हो क्योंकि एक दो बार निकल गया था हल्का हल्का सा बट ठीक है वो हर कॉटन हर जो पफ है उनमें निकलते हैं ठीक है बट मैंने मे बी शायद प्रेशर ज़्यादा हो गया हो तो इस वजह से वो निकला हो और या बट ये एक मुझे छोटा सा इसमें कोन लगा तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया अब आप देख सकते हो कि पैक कॉस्मेटिक का है इसकी प्रॉपर एक वेबसाइट बनी हुई है डब्ल्यू 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 डॉट पैक कॉस्मेटिक्स डॉट कॉम एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शनस दी गई हैं कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है किस तरीके से आपको इसकी केयर करनी है सो so, अगर हम इस प्रोडक्ट की यूसेज की बात करें कि आपको किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है तो आपको जस्ट इस पफ को लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर को लेना है एंड देन लाइक कॉम्पैक्ट को जो है एप्लीकेशन करनी है पफ के साथ अपने फेस पे ठीक है अपने फेस पे इसको अप्लाई करोगे स्टिपल अप एंड डाउन करके आपको इसको अप्लाई करना है इन रोलिंग मोशन में ठीक है अपने फेस पर एंड uh, ये जो है ना ये आपको एक बहुत ही ब्यूटिफुल सॉफ्ट वेल डिफाइंड स्किन लुक प्रोवाइड करता है तो आपको ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देगा मुझे इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इसको लाइक एप्लीकेशन जब मैं इसकी करती हूँ एक तो ये पूरे फेस पे ना बहुत जल्दी से पाउडर की एप्लीकेशन कर देता है तो वो इसका ये प्लस पॉइंट है क्योंकि ये बड़ा है इसलिए अगर आप छोटे यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसीलिए मैंने बड़े वाला मंगाया है इसमें छोटे भी आते हैं आप वो भी ट्राई कर सकते हो इसकी केयर आपको कैसे करनी है इसका ना पैक का ही एक सॉलिड ब्रश क्लीनर क्लिन आता है बेसिकली आप जो है वो ट्राई कर सकते हो एंड उससे क्या होता है कि इसका जो टेक्सचर है ना एग्जैक्ट वही रहेगा अगर आप वो प्रोडक्ट यूज़ करते हो इसको क्लीन करने के लिए नहीं तो आप कोई भी क्लेंज़र यूज़ कर सकते हो मेरे पास इस इनका क्लीनर नहीं है क्लेंजर नहीं है तो मैं वो नहीं यूज़ करती मेरे पास जो है मैं वो ट्राई करती हूँ तो आप भी वही कर सकते हो एप्लीकेशन आप देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से हो रही है और पूरे फेस पे बहुत अच्छे से ये स्प्रेड हो जाता है तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है और ये वाइट कलर का होता है आप देख सकते हो ये वाइट है बट अभी जब मैं इसको एप्लीकेशन कर रही हूँ तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट कलर क्योंकि जो कॉम्पैक्ट का कलर है वो वार्म शेड है ठीक है तो दैट इज़ द रीज़न एग्जैक्टली एंड मुझे ये ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है एक दो खामी तो हर प्रोडक्ट्स में होती हैं बट मुझे ये पसंद आया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब टू तो माय चैनल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बाय गाइस टेक केयर हैव हाँ फन बाय